हेलो एवरीवन, वेलकम टू धारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल। धारी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्लैब कास्टिंग है, यानी 900 स्क्वायर फीट का छत ढलाई कर रहा है तो को क्या मटेरियल लगने वाला है उसका ये वीडियो है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 30x30 यानी 900 स्क्वायर फीट है। 900 स्क्वायर फीट का आपको स्लैब कास्टिंग में कितना मटेरियल लगेगा उसी का ये वीडियो है। तो कम्प्लीट वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज का एरिया जो 30x30 है यानी 900 स्क्वायर फीट है। ये स्लैब का एरिया है 900 स्क्वायर फीट और हम लोग डेप्थ ऑफ स्लैब लेते हैं 5 इंच। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ स्लैब ये CFT में निकला 375 CFT निकला, ठीक है। ये तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको 375 CFT निकला। यहाँ पर हम लोग M20 ग्रेड यूज कर रहे हैं कॉन्क्रीट का। तो सीमेंट यहाँ पे एक और सैंड 1.5 पार्ट और एग्रीगेट 3 पार्ट, ठीक है। डिग्री नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड इन स्लैब आपको स्लैब में लगेगा 85 पॉइंट, मतलब 85 बैग आपको सीमेंट बैग लगेगा। ये सिर्फ स्लैब का है, बीम जो छोड़ कर है, बीम का अलग कैलकुलेशन इसमें है वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। देखिए आपको सिर्फ स्लैब में आपको मतलब 5 इंच का आप स्लैब ढलवा रहे हैं तो आपको 85 बैग लगेगा सीमेंट बैग, और बीम का भी अलग कैलकुलेशन इसमें है। तो पूरा वीडियो जोर दिखेगा। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड इन स्लैब, स्लैब का सिर्फ 85 बैग आपको लगेगा 900 स्क्वायर फीट में, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं और बीम का क्या होगा। देखिए यहाँ पे सीमेंट कैलकुलेशन, देखिए सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर बीम, बीम के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए 12x10 का बीम है यानी 12 इंच उसका डेप्थ है और 10 इंच विड्थ है। दो बीम लिया गया है सेम साइज का, यानी 30 फीट लंबाई है उसकी और 30 फीट इसका भी लंबाई है, और ये हो गया डेप्थ हो गया और ये विड्थ हो गया, यानी दोनों तीन तीन बीम है। तो आपको टोटल वॉल्यूम बीम का 150 CFT हुआ। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इन बीम, बीम में आपको 34 से 35 बैग लगेगा बीम में, और यहाँ पे क्या था 85 बैग आपको स्लैब में लगेगा। और ये देखिए 35 बैग यहाँ पे लगभग है, तो यानी टोटल नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्लैब कास्टिंग। देखिए स्लैब में 85 बैग लग रहा था और बीम में 34 बैग लगे, यानी 119 से 120 बैग आपको लगेगा टोटल सीमेंट स्लैब कास्टिंग में 900 स्क्वायर फीट में। और ये तो वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम ऑफ बीम है टोटल 150 CFT। मेन ये हुआ कि आपको 120 बैग लगेगा आपको 900 स्क्वायर फीट में अगर आप छत डलवा रहे हैं तो। इसमें बीम का साइज ये हुआ तो 12x10 का, ठीक है। स्लैब में आपको 85 बैग लगेगा और बीम में अलग से 34 से 35 बैग लगेगा, टोटल 120 बैग लगेगा। और देख लेते हैं हम सैंड कितना लगेगा और एग्रीगेट कितना लगेगा। ये देखिए टोटल सैंड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्लैब कास्टिंग, सैंड आपको 220 CFT लगेगा टोटल सैंड, बीम और स्लैब दोनों मिलाकर 220 CFT से 250 CFT तक लग सकता है आपका। और वेस्टेज अलग है और ये छज्जा का कैलकुलेशन नहीं किया गया इसमें, छज्जा का अलग आपको लगेगा यानी आपको 250 CFT लग जाएगा। देखिए एग्रीगेट ये हमें टोटल एग्रीगेट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्लैब कास्टिंग आपको एग्रीगेट में 441 CFT लगेगा, यानी आप 500 CFT तक रख सकते हैं, आपको 500 CFT लगेगा एग्रीगेट। यानी M20 यूज कर रहे हैं तो 1.5:3 का जो रेशियो है वो यूज कर रहे हैं तो आपको सीमेंट बैग 120 लग गया और 220 से 250 तक आपको सैंड लग सकता है और एग्रीगेट लगेगा 441, यानी अप्रॉक्स 500 CFT आप मंगवा सकते हैं आप 900 स्क्वायर फीट का छत डलवा रहे हैं तो। ये तीनों हो गया और इस वीडियो में स्टील का भी कैलकुलेशन दिखाया गया है कितना आपको स्टील लगेगा। तो वीडियो पे जरूर बने रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो अब तक तो जरूर लाइक कर लीजिए वीडियो को। चलिए देखते हैं हम लोग कि स्टील क्या लगेगा। ये देखिए स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब कास्टिंग, स्लैब एरिया 30x30 था, 900 स्क्वायर फीट था। स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब आपको 720 किलो लगेगा आपको स्टील। ये सिर्फ स्लैब का बीम छोड़कर है, बीम का अलग इसी में कैलकुलेशन दिखाया गया। देखिए स्लैब में 8 mm और 10 mm मोस्टली यूज होता है तो 288 किलो आपको लगेगा 8 mm का और 432 किलो लगेगा आपको 10 mm का, टोटल 720 किलो लगेगा। ये दोनों को आप ऐड करेंगे 720 आएगा। देखिए 10 mm का 432 लगेगा, यानी ये 40% लगता है, ये 60% लगता है। 288 लगेगा आपको 8 mm का किलो और 432 किलो लगेगा 10 mm का। अब देखिए बीम में भी दिखाया गया है, बीम का कैलकुलेशन अलग है इसमें। देखिए देखिए टाइप ऑफ स्टील, हम लोग 12x10 का बीम यूज कर रहे थे, 12x10 दोनों में 6 स्टील है, 3 ऊपर 3 नीचे है,
ठीक है। तो आपको देखिए 6 नंबर ऑफ 12 mm का 6 यूज किया गया था दोनों बीम में, टोटल स्टील का फिट हो गया 540। इसमें भी देखिए और नीचे कैलकुलेट करके ये सब आप यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं, हम 1350 फिट लगेगा अप्रॉक्स, यानी 162 किलो आपको लगेगा बीम में, ठीक है। ये स्टीरअप सब लेकर है, आपको 162 किलो लगेगा ऐसे बीम में। 8 mm बाइंडर यहाँ पे यूज किया गया है, बाइंडर वाइंडर लेकर आपको 162 किलो लगेगा। स्टीरअप स्पेसिंग रहेगा 6 इंच का और 150 mm कर सकते हैं। देखिए टोटल स्टील यहाँ पर है कैलकुलेट किया हुआ। रेनफोर्समेंट शेड्यूल ड्यूरिंग स्लैब कास्टिंग, देखिए 8 mm का आपको ये फिट में है, कितना फिट लगेगा, ये पीस हुआ आपको 93 पीस लगेगा 8 mm का, केजी हो गया 450, टन हो गया 0.45 और बंडल हो गया 9.375 बंडल आपको लगेगा 8 mm का, 8.5 मतलब 9 बंडल आपको 10 mm का लगेगा और 5 से 6 बंडल आपको 12 mm का लगेगा, ठीक है। तो टोटल आपको यहाँ देखिए टोटली 1173 किलो लगेगा आपको स्टील, और यानी टन में 1.17, और 10% एक्स्ट्रा आप एनफोर्समेंट इसमें बढ़ा सकते हैं, वो लैपिंग के लिए रहेगा, लैपिंग इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अप्रॉक्स आपको 1200 किलो से 1250 किलो तक लग जाएगा आपको स्टील 900 स्क्वायर फीट में स्लैब कास्टिंग में। तो आप अच्छे से देख लीजिए यहाँ 1200 किलो से 1300 किलो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही मंगवा कर रखिए, 1300 किलो तक आपको लगेगा स्टील, और जो कि 10% एक्स्ट्रा इसमें लैपिंग लेंथ के लिए है। और बीम का साइज यहाँ पे देख रहे हैं 12x10 है, और ये स्लैब का हुआ, सिर्फ स्लैब का, ये तो बीम का अलग है। 30x30 में आपको 720 किलो स्टील लगेगा स्लैब में, और इसमें 8 mm 10 mm का 288 किलो लगेगा 8 mm का और 432 किलो 10 mm का, और एग्रीगेट का यहाँ पर 441 CFT लगेगा, सैंड लगेगा 220 CFT, और आपको सीमेंट बैग 120 के अप्रॉक्स लगेगा। आप ये मंगवा सकते हैं अगर आप स्लैब कास्टिंग करवा रहे हैं 900 स्क्वायर फीट में तो। और ये रेसियो होता है 1.3 M20 का ये रेसियो है, और 5 इंच इसका डेप्थ रहेगा स्लैब का, 30x30 900 स्क्वायर फीट का। तो कैसा लगा अब तक वीडियो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और भी कोई आपको क्वेरी हो तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जरूर अपलोड करेंगे उस किसी एरिया का, और एस्टिमेशन चाहते हैं तो तब देख लीजिए। यहाँ पर सैंड है 220 CFT, एग्रीगेट है 441 और 120 है सीमेंट बैग। ये बीम टाइप हम लोग यूज कर रहे थे 12x10 ही, स्टीरअप को 180 लग रहा है। टोटल यहाँ पे दिखाया गया है कौन सा साइज का कितना आपको लगेगा, कितना फिट लगेगा, पीस कितना लगेगा, कितना किलो लगेगा, कितना टन में लगेगा, कितना बंडर रहेगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।